आप समुद्र से बाहर आते हैं और आपको दूर से लाइफगार्ड के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पूरा बीच घबरा जाता है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ है जो पानी के अंदर छुपा बैठा है। इससे पहले कि आप लॉक नेस मॉन्स्टर कह पाए, एक लंबी परछाई उठकर सामने आती है। इसके बड़े पैने दांत आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज स्टिक्सोसॉरस जिंदा होता तो ये कहां रह रहा होता? कैसे पत्थरों के नीचे दबने से आपकी मौत हो सकती है? और क्यों जितना आप इससे डर रहे होंगे उससे ज्यादा ये आपसे डर रहा होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर स्टिक्सोसॉरस अब भी जिंदा हो। तकनीकी तौर पर बात करें तो यह रेंगने वाला समुद्री जीव एक डायनासोर नहीं था, हालांकि ये उनके वक्त में ही अर्थ के पानी में तैरा करता था। स्टिक्सोसॉरस 7 करोड़ से लेकर 8 करोड़ 50 लाख साल पहले होते थे, मतलब क्रिटेशियस पीरियड के आखिरी सालों में, और इंसानों के इस प्लैनेट पर आने से कहीं पहले। और ये भयानक जीव 10 मीटर लंबा हुआ करता था, और इसके साइज का लगभग आधा हिस्सा इसकी बड़ी सी गर्दन की वजह से था। 5 मीटर, मतलब एक औसत जिराफ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लंबी। और कुदरत का ये अजूबा कहीं से भी हल्का नहीं था। 3600 किलोग्राम से ज्यादा वजन के साथ ये एक किलर व्हेल जितना भारी था। तो ऐसा क्यों है कि ये बड़ा जीव आपको पूरा का पूरा नहीं निगलेगा? साइंटिस्ट्स को अब के कैंसस और साउथ डकोटा में इस भयानक जीव के फॉसिल्स मिले हैं। तो अगर स्टिक्सोसॉरस आज जिंदा होता तो ये ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में ही पाया जाता। लेकिन इसके चांसेस कम हैं कि आप इस बड़े जीव को पूरे साइज में देख पाते। आप ज्यादा से ज्यादा जो देख पाएंगे वो है इसका सर और पानी से बाहर झांकती इसकी गर्दन का एक बड़ा हिस्सा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टिक्सोसॉरस अपनी लंबी टर्टल जैसी बॉडी को पानी के सबसे धुंधले और अंधेरे हिस्सों में छुपा कर रखता था, जिस वजह से ये जितना है उससे कहीं छोटा लगता था। ऐसा करने से इसके देखे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे, और इससे ये उन मछलियों और स्क्विड्स को कम खतरनाक नजर आता था जिन्हें ये खाना चाहता था। इसका खाना किसी हॉरर फिल्म जैसा होगा। जब स्टिक्सोसॉरस अपने शिकार के पास अपना मुंह बंद करता है, इसके पैने दांत एक दूसरे से फंसते हैं और जानवर को अंदर कैद कर लेते हैं, जैसे कि एक पिंजरा जिससे निकलने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन ये प्रोसेस यहां खत्म नहीं होती। कुछ स्टिक्सोसॉरस के फॉसिल्स के पेट में 200 से ज्यादा छोटे पत्थर मिले हैं। हो सकता है ये पत्थर एक बैलेस्ट यानी भार का काम करते हों, जिससे इस प्री हिस्टोरिक जीव को महासागर की जमीन में और नीचे डूब पाने में मदद मिलती होगी। लेकिन इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये पत्थर पाचन में मदद करते होंगे। हाँ, हालांकि स्टिक्सोसॉरस के दांत फिसलने वाले शिकार को मजबूती से पकड़ने के हिसाब से इवॉल्व हुए थे, पर ये मांस को काट पाने में उतने कारगर नहीं थे। तो ये बड़ा जीव अपने जिंदा शिकार को पूरा का पूरा निगल जाया करता था। इसके पेट में मौजूद पत्थर हड्डियों को क्रश करने का और कांटे हटाने का काम करते थे। तो अगर ये आप पर नजरें गड़ा ले तो क्या आप खुद को इसके पेट में मौजूद पत्थरों के बीच पाएंगे? एक आम स्टिक्सोसॉरस का सर लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होता था और उसका थूथन लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा। इसका मतलब ये कि अगर आप एक औसत साइज वाले वयस्क हैं तो ये समुद्री रेंगने वाला जानवर आपको पूरा निगलना नहीं चाहेगा। आप इसके मुंह में फिट नहीं होंगे। अब अगर स्टिक्सोसॉरस आपको पूरा निगल सकता तो जैसे जैसे आप इसकी लंबी गर्दन से फिसलते हुए पत्थरों के ढेर की तरफ पहुंचते, आपको एक मुश्किल अंधेरे का सामना करना होता और वहां जाकर आखिरकार आपकी मौत होती पत्थरों की वजह से। ये कितनी अजीब मौत होती। अच्छी बात है कि ये बड़ा जीव इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको एक बार में पूरा का पूरा निगल ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। स्टिक्सोसॉरस खुद को बचाने के लिए आपको काटने की कोशिश कर सकता है। जिंदा बचने के लिए आपका सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कि आप वो करें जो आप एक शार्क के हमले के दौरान करेंगे। सबसे बुरा कदम होगा घबराना और पानी में हाथ पैर चलाना। इससे स्टिक्सोसॉरस और चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसकी जगह आपको जितना हो सके उतना बड़ा और भयानक दिखने की कोशिश करनी चाहिए।
जाहिर है जब आपका सामना खुद से 45 गुना बड़े शिकारी के साथ हो रहा हो तब ये कहना आसान है और करना मुश्किल। अगर आप स्टिक्सोसॉरस की नजर में मजबूत साबित होते हैं और ये आपको छोड़ देता है तो ये छोटी चीजों को खाकर काम चलाना चाहेगा। लेकिन सिर्फ मछलियां और स्क्विड खाने के लिए इसे कुछ जीवों का मुकाबला करना पड़ सकता है, जैसे कि शार्क्स और किलर व्हेल्स, जो कि इस तरह के छोटे समुद्री जीवों को खाती हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब पास में ये तैरती हुई दावत होगी तो आज के समुद्री शिकारी अपने मेन्यू में नई चीज को शामिल कर सकते हैं, और वो होगी, जी हाँ, आपने ठीक समझा, हमारा स्टिक्सोसॉरस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बड़ा सा जीव असल में कभी वो सबसे बड़ा शिकारी नहीं था जैसा इसकी बड़ी बॉडी को देखकर हम समझते हैं। प्रीहिस्टोरिक शार्क्स, जो साइज में मॉडर्न ग्रेट व्हाइट से मिलती जुलती थीं, वो स्टिक्सोसॉरस की कुदरती दुश्मन हुआ करती थीं, और काफी चांसेस हैं कि इनके खात्मे में उनका भी हाथ था। और पुराने समय की शार्क का शिकार बनने के अलावा ऐसा लगता है कि स्टिक्सोसॉरस क्लाइमेट चेंज के साथ आने वाले महासागरों के तापमान में बदलाव के लिए भी तैयार नहीं था। बाप रे, हमारा लंबी गर्दन वाला दोस्त जिंदा रहने के लिए इससे बुरा वक्त नहीं चुन सकता था। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। स्टिक्सोसॉरस की परेशानी की वजह होगी करंट्स का ठंडा तापमान। क्रिटेशियस पीरियड के दौरान हमारे प्लैनेट के महासागरों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। स्टिक्सोसॉरस के लिए आज के नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट्स के ठंडे पानी में जिंदा रहना मुश्किल होता। अगर ये एवोल्यूशन के हिसाब से ढल ना गया हो तो इससे गर्म ट्रॉपिकल महासागर भी इसे जरूरत जितनी गर्माहट नहीं दे सकते। अगर स्टिक्सोसॉरस आज जिंदा होता तो महासागरों को प्यार करने वाले हमारे इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा ना होता, बल्कि इस जीव का जिंदा रहना किलर व्हेल्स और शार्क से भी कहीं ज्यादा खतरे में होता। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे कलाकार फूडी दोस्त स्टिक्सोसॉरस का टेस्ट लेने के लिए भी बेताब होंगे। ये देखते हुए कि एक रेंगने वाला जीव है, चांसेस हैं कि इसका टेस्ट इग्वाना की तरह ही अच्छा और जूसी होगा, और इसमें इसके पसंदीदा समुद्री जीवों का मछली जैसा टेस्ट भी शामिल होगा। अगर रेंगने वाले जीवों को खाने से होने वाले पैरासाइट्स, वायरसेस और सैल्मोनेला के खतरे को हटा दें तो ये सुनने में वाकई काफी टेस्टी लगता है। ये सुनकर मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि क्या हो अगर हम खाने के लिए डायनासोर्स को पालें। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।